बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 9 जून और दिन है जुमेरात का। पिछले कुछ दिनों में आपने शहबाज स्पीड का बहुत जिक्र सुना होगा, बल्कि बहुत सारे लोगों ने तो एक्सपीरियंस भी करके देख लिया और उसकी असल हकीकत आप लोगों के सामने आ चुकी है। लेकिन आज थोड़ा सा जिक्र करना है इमरान स्पीड के बारे में। ये टर्म कुछ नई नई लग रही है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो थोड़ी सी पुरानी है। उसकी सारी सूरत हाल आपके सामने रखनी है। आपको याद होगा जब ये चैनल मैंने बनाया था, यूट्यूब चैनल, तो उसका एक ही मकसद था कि पॉजिटिव ब्राइट मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान की चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया जा सके। और मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह भी पढ़ता हूँ, आप लोग मिस करते हो उस सारे सिनेरियो को, वो जो हम रोज़ अच्छी अच्छी खुशखबरियाँ डिस्कस किया करते थे। और अभी भी आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो आप लोग कहते हैं कि वो टाइम किधर गया, मैं खुद भी मिस करता हूँ उसको। लेकिन आज उसे सारी चीज़ों को वापस रिकॉल करना है, इसलिए कि आज का दिन मौका है उसको रिकॉल करने का। बिकॉज सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि आज इमरान खान ने ख़ुद भी उसे रिकॉल किया, बल्कि इससे भी बड़ी बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने आज जो इक्तसादी सर्वे जारी किया उसमें उन सारी चीज़ों को रिकॉल किया जो मैं आपको बताया करता था। आप में से बहुत सारे लोग तनकीद भी करते थे कि बस आप अच्छा ही अच्छा बताते हैं, लेकिन वो फैक्ट था, वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड थी। और आज उन सारी चीज़ों का इतराफ उस इकोनॉमिक सर्वे में किया गया जो माली साल 2021-22 के लिए आज जारी हुआ। आज मैं सारे टीवी चैनल्स की स्क्रीन देख रहा था, जियो समेत, समा समेत, सारे वो चैनल्स जो इमरान खान के बयानिए को प्रमोट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज वो सब बता रहे थे कि वो सारे अहदाफ जो इमरान खान ने बताए हैं वो सारे अहदाफ हासिल किए गए, जो मुआशी अहदाफ हासिल किए। मैं 50 लाख नौकरियां और 1 करोड़ घर उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो मुआशी अहदाफ तय किए गए थे वो किस तरह से तय किए गए, और आखिरी 3 साल 3.5 सालों में इमरान खान ने मुआशी ग्रोथ को 6% तक कैसे पहुंचाया, ये सब आपके सामने रखना है। तो शुरू करते हैं, फिर कुछ और बातें, सियासी पॉलिटिकल बातें वो मैं एंड पे करूंगा, लेकिन ये चूंकि आज फेवरेट टॉपिक है तो इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक अपना थोड़ा सा टाइम आपने स्पेयर करना है ताकि ग्राउंड रियलिटी आपको पता चल सके। जो टीवी का एक बयानिया या कुछ एंकर्स का या सहाफ़ियों का बयानिया वो आपको बताते हैं कि जनाब इमरान खान की ना तजर्बेकारी ने मुल्क को कहाँ पर पहुँचा दिया और ये तजर्बेकार जो लेके आए हैं उन्होंने कहाँ पर पहुँचाया, थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझने का मौका मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जीडीपी ग्रोथ जो एक्सपेक्ट की जा रही थी कि 4 से 5% तक रहेगी, वो तवक्कुआत से भी ज़्यादा निकली और 6% तक पहुंच गई इमरान खान के दौरे हुकूमत में, और ये पॉजिटिव इशारा था। इससे आगे ज़रात के शोबे में 3.5% ग्रोथ का हदफ रखा गया था इमरान खान की हुकूमत से, लेकिन एक्चुअली वो हदफ 4.4% तक पहुंच गया, यानी हदफ से भी ज़्यादा तरक्की ज़रई शोबे में देखने में आई। मेरा बैकग्राउंड ज़रई शोबे से नहीं है, लेकिन आप में से बहुत सारे देखने वाले उससे ताल्लुक़ रखते होंगे। मुझे पता है कि कुछ माली मुश्किलात और कुछ वो DAP खाद वगैरह का इशू रहा, लेकिन हमारी तरक्की हुई 4.4%। ये दूसरा इंडिकेटर है जो पॉजिटिव में गया। इससे आगे चलिए, सनअती शोबा, आपको पता है मैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से और फैसलाबाद में जाकर मैंने आपको दिखाया, बताया कितना कुछ कि वो इंडस्ट्री जो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी थी उसका रिवाइवल और इकोनॉमिक टर्न अराउंड किस तरह से हुआ। इस तरह से हुआ कि सनअती शोबे का जो हदफ रखा गया था तरक्की का, वो था 6.6%, यानी आखिरी साल में ये हदफ था 6.6%, लेकिन इमरान खान की पॉलिसियों के बायस ये टारगेट हमने ना सिर्फ पूरा किया बल्कि इससे आगे जाकर 7.2% तक पहुंचाया हमने अपने सनअती शोबे को। इससे भी आगे चलिए, खिदमात का शोबा, सर्विसेज का, उसमें 4.7% तक का हदफ रखा गया था हुकूमत की तरफ से आखिरी माली साल में, और ये हमने पहुंचाया 6.2% तक। सारे टीवी चैनल्स बता रहे थे कि मुआशी ग्रोथ हुई है, सारे मुआशी इशारे ऊपर हैं। इससे आगे चलिए, लाइफ स्टॉक, इसमें जो हमारी मुआशी तरक्की की हमने एक हदफ रखा था कि तकरीबन 2 से 3% तक रहेगा, वो इससे बढ़कर 3.26% तक चला गया। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर था। ये मेरे पास 92 न्यूज़ की एक पूरी क्लिपिंग है, सोशल मीडिया पर भी आपने देखी होगी। अगर मैं सारा पढ़ने लगूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं क्विकली आपको बता देता हूं। PTI हुकूमत में तामीराती शोबे में 3.1% तक की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। आपको पता है कि इस शोबे में जो तामीरात का था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इसमें इमरान खान दर्जनों इजलास कर चुके और मैं उनको रिपोर्ट किया करता था। मुझे पता है कि इसके पीछे कितनी मेहनत हुई और कितना काम हुआ, और इस तामीराती शोबे की ग्रोथ 3.1% अप गई है। इसके बाद गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में बिजली और गैस की सप्लाई में 7.9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ये मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान आज
बता रहे थे। आज बिजली और गैस की क्या सूरत हाल है आपके सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। कल तो व्लॉग के दौरान ही लाइट चली गई थी। पीटीआई के दौरे हुकूमत में 7.9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। फिर आगे चलिए, आईटी सेक्टर में 11.9% तक की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई है। मुझे अच्छे से पता है आईटी के शोबे में मुल्क की तारीख में पहली बार हमारी जो आईटी एक्सपोर्ट्स थी वो 2 अरब डॉलर्स को टच कर रही थी। ये भी पहली बार हुआ, वरना इससे पहले तो हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स ब्राए नाम थी, जिनको कोई टैप ही नहीं कर रहा था, वो हमने 2 अरब डॉलर्स तक पहुंचा दी और सारी जितनी मरात हो सकती थी वो हमने इस शोबे को दी। आगे चलिए, हेल्थ के शोबे में 2.3% और तालीम के शोबे में 8.7% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई पीटीआई के आखिरी साल में। इससे आगे चलिए, पीटीआई हुकूमत के आखिरी साल में तरक्याती सरगर्मियों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। जो पीएसडी जिसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अदाद शुमार के मुताबिक रिकॉर्ड तरक्याती काम आखिरी साल में प्लान हुए, जिसके लिए बजट भी एलोकेट कर दिया गया। फिर सरमायाकारी का जो पैकेज था उसमें तामीराती शोबे में 49% तक की ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। ये मैं नहीं कह रहा, आज का इक्तसादी सर्वे बता रहा है। इससे एक कदम आगे चलिए, खिदमात के शोबे में मजमुई ग्रोथ जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ, 6.2% हुई, और होटल और रेस्टोरेंट के सेक्टर में 401% ग्रोथ, 100% भी नहीं, 401% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई। और ये मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है जो मैं सारी अभी यकीनन यहाँ पर आपको पढ़ के नहीं दिखा सकता। अगर मैं इसको बताऊँ, एग्रीकल्चर में कौन कौन सी क्रॉप्स आपकी बड़ी हैं, कॉटन, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, इसके अलावा इंडस्ट्रियल सेक्टर में चले जाएँ तो माइनिंग, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल और स्लॉटरिंग और इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, ये सारे शोबों में यहाँ पर रिकॉर्ड पॉजिटिविटी देखने में नज़र आ रही है। फिर कंस्ट्रक्शन का शोबा मैं बता चुका हूँ। सर्विस सेक्टर की अगर बात करूँ तो होलसेल, रिटेल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, अकोमोडेशन, फूड सर्विसेज, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल इंश्योरेंस एक्टिविटीज, रियल स्टेट एक्टिविटीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल सिक्योरिटी, एजुकेशन, ह्यूमन हेल्थ, सोशल वर्क और एक्टिविटीज के साथ साथ अदर प्राइवेट सर्विसेज, ये वो सारा कुछ है जिस पर इमरान खान ने पिछले 3.5 साल मेहनत की। और अब उस मेहनत का समर यह है कि पूरी नून लीग की क्यादत आज बैठ के ये बता रही थी कि ये यहाँ इस शोबे में ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। 2-3 शोबों में ज़रूर हमसे कोताही हुई, हमारा जो तिजारती खसारा था वो बढ़ने लग गया, क्योंकि डॉलर की प्राइसेस भी एक तो शूटअप हो चुकी थी, प्लस हमारे मुल्क के पास उतना रिजर्व भी नहीं था कि हम उसको बैलेंस कर पाते, वो एक प्रॉब्लम ज़रूर रहा। लेकिन उससे भी कहीं ना कहीं हम निमट रहे थे, इस तरह से कि हमारे मुल्क में तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो पीएमएलएन की हुकूमत 23 अरब डॉलर के आसपास छोड़ के गई थी, वो हम 32 अरब डॉलर तक ले गए आखिरी पीटीआई के साल में, पीटीआई हुकूमत के साल में 32 अरब डॉलर तक पहुंची। फिर जो गैर मुल्की रेमिटेंसेज जो नून लीग के दौरे हुकूमत में तकरीबन 23 अरब डॉलर्स के आसपास थी, वो भी 31 अरब डॉलर्स तक हम पीटीआई हुकूमत के आखिरी साल में पहुँचाने में कामयाब रहे। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने अवाम पर बोझ कम से कम डालने की पॉलिसी पर अमल करते हुए बहुत सारे शोबों में टैक्स छूट भी दी। एक तरफ रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा करके दिखाया जो 6000 अरब का था, मुल्क की तारीख में पहली बार ये ऐसा हुआ था कि जब हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, वरना तो हम 4000 अरब के लगभग इकट्ठा करते थे, तो इमरान खान ने आकर 6000 अरब रुपये का टैक्स इकट्ठा किया। और उसके नतीजे में क्या हुआ कि उन्होंने टैक्स छूट भी दी बहुत सारे शोबों में। मैं आपको बता देता हूँ, 1757 अरब रुपए की टैक्स छूट दी गई, जिसमें से एफबीआर ने 400 अरब रुपए की टैक्स छूट दी, तिजारती माहिदों की मद में 46 अरब 10 करोड़ रुपए की टैक्स छूट दी गई, और एक्सपोर्ट्स के शोबे में 51 अरब रुपए की कस्टम ड्यूटी की छूट दी गई, जिसके नतीजे में आपको पता है गाड़ियों की कीमतें कुछ कम करने का फैसला किया गया था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर स्टार्ट हुई, मुल्क की तारीख में पहली बार पाकिस्तान के मेड इन पाकिस्तान मोबाइल जो हैं वो दुनिया को एक्सपोर्ट होने लगे। कहाँ हम इम्पोर्ट करते थे महंगे मोबाइल्स, और फिर यहाँ से उसकी एक्सपोर्ट भी शुरू हुई, और उसके नतीजे में 50,000 अफराद को, मैं गलत बयानी नहीं कर रहा, अगर करूँ तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक आपको बता रहा हूँ कि जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी पर अमल दरामद किया, उसके नतीजे में 50,000 अफराद को बिलवास्ता या बिलावास्ता रोज़गार मिला है, और अभी ये सिलसिला आगे इसी तरह बढ़ता रहेगा। तो ये सब कुछ है इमरान स्पीड।
अब आप लोग बताएं कि आप लोग ये जो सारा जिक्र करते हैं शहबाज स्पीड क्या शहबाज स्पीड से हुआ, लोड शेडिंग बढ़ गई, आपका रिजर्व नीचे आ गया, आपका डॉलर ऊपर चला गया, आपका पेट्रोल प्राइसेस मुल्की तारीख में पहली बार इस सतह पर पहुंची जहां पर आज है, और अभी और भी इजाफा इसमें होना है। और आखिर में जाते जाते थोड़ी सी बात आज के पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन के हवाले से, जहाँ से अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, पीटीआई की वहाँ पर मौजूदगी नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है, और उसके नतीजे में हो ये रहा है कि नैब तरमीमी बिल और इलेक्शन इस्लाहात का जो तरमीमी बिल था वो आज मुतफ़िका तौर पर वहाँ से मंजूर कर लिया गया है, जिसके नतीजे में जो नैब के पर काटने थे वो काट दिए गए, जो इंतखाबी इस्लाहात अपनी पसंद की रिक्वायर्ड थी पीडीएम जमातों को वो भी उस हिसाब से कर दी गई है। और दो आखिर में और ख़बरें अफसोसनाक, आज सुबह सुबह जब टीवी ट्यून इन किया तो पता चला कि मकसूद चपरासी इस दुनिया में नहीं रहे, और उनका एक ऐसा करैक्टर है जो मिस्टीरियस करैक्टर है, और उसके ऊपर अभी बहुत सारी डिबेट आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगी, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केस के वो एक बहुत अहम और मरकज़ी किरदार थे। डॉक्टर रिजवान के बाद उनकी अचानक मौत ने कई सवालात को जन्म दिया है। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि ये किसी ने मर्डर अटैम्प्ट किया या किसी ने जाके मार दिया, लेकिन स्टिल इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और एक जो आखिर में ख़बर आमिर लियाकत के हवाले से है, उनको आप किसी भी रेफरेंस से याद कर सकते हैं, उनका एक बोल्ड बिहेवियर, उनका एक आज़ाद सोच, और वो जिस तरह से ब्लंट स्टेटमेंट्स दे दिया करते थे, जो भी था व्हाटएवर उनकी जो भी पर्सनालिटी थी उससे कता नज़र, उनकी आज अचानक जो मौत की इतला आई उसने भी बड़ा एक तरह से दिल दुखी किया। मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम थे, मुल्की सियासत में भी उन्होंने अच्छी खासी रौनक लगाई हुई थी, इख्तलाफ राय करते थे, डट के करते थे, लेकिन बहरहाल जो भी है उनकी मगफरत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनका आखरत का सफ़र आसान बनाए और हम सबको भी राह रास्त पर ले आए। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।